जिला विद्यालय निरीक्षण ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वित्त विहीन कॉलेज के प्रधानाचार्य की बैठक गुरुवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के परिसर में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से जिला विद्यालय निरीक्षण के अतिरिक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय कुमार मिश्रा, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से जिला विद्यालय निरीक्षण ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने नए सत्र में शिक्षा की गुणवत्ता के मानक के अनुरूप स्कूलों में पठन पाठन का कार्य संचालन किए जाने, शुल्क अधिनियम के तहत बच्चों का प्रवेश लिए जाने, जिन शीर्ण विद्यालयों को सुदृढ़ किए जाने, स्कूल वाहन चालकों को मानक के अनुरूप कार्य किए जाने, छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था सहित विभिन्न बिंदुओं पर प्रधानाचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस बिंदुओं को बात करनी है वो केवल वित्त विहीन या राजकीय या सहायता प्राप्त से नहीं हुई होगी। ये हमारे देश के भविष्य पर, हमारी क्षमता संस्कृति पर, हमारे आने वाले कल पर निर्भर करता है। ऊपर हुई हुई है जहाँ पर केंद्र हमारा बच्चा है, और बच्चे के कल्याण के लिए जो भी हमको योजना बनानी है उसको हम सबको मिलकर क्रियान्वित करना है, जिसमें चाहे उसका पाठ्यक्रम हो जिससे वो बच्चा बोर्ड के एग्जाम देता है, जो प्रभा पुस्तकों की नया पाठ्यक्रम आया है एनसीईआरटी उसको उपलब्धता के बारे में हो, चाहे वो उसकी स्वास्थ्य के बारे में हो कि बीमार ना पड़े, यही यही किसी गंभीर बीमारी उसके पास ना आ जाए, या गंदगी के बारे में हो कि आपका गंदगी कैसे बचा जाए, कैसे स्वस्थ बच्चा रह सकता है, या हमारा जो कॉलेज का प्रांगण है वो कैसा है, तो ऐसी दुर्घटना ना घट जाए जैसे हम सब लोग प्रभावित हों, क्योंकि हम लोग एक चुनाव में बैठे हुए हैं, चाहे वो कॉलेज का कर्मचारी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी हो, सब एक ही नाम बैठे हुए, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। एक हादसा आपके कुछ नगर में हो चुका है, आप सबको मालूम है, इसके लिए शासन प्रशासन सब कटिबद्ध है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो पाए। साथ ही बच्चे के कल्याण के लिए एक छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है कि उसमें नए नए नियम हुए होते हैं, उसके संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर छात्र से वंचित जाता है तो उसे निश्चित रूप से कॉलेज की छवि खराब होती है और शिक्षा विभाग की छवि भी खराब होती है। जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैठे हुए हैं वो आपको समाज कल्याण से जुड़ी हुई जो भी छात्रवृत्तियाँ होती हैं कि किस प्रकार से खराब पढ़ना चाहिए, राजा की क्या जिम्मेदारी है, उसका टाइम और पढ़कर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। जो आज के विषय थे इस बैठक के बारे में और छात्रवृत्ति के संबंध में विचार विमर्श करना था, सूचनाएं देनी थी शैक्षिक सत्र 2018-19 के संचालन के संबंध में, सूचनाएं देनी थी शैक्षिक पाठ्यक्रम के संबंध में, स्वच्छता अभियान के संबंध में, JEE AES के संबंध में, पुस्तकों के उपलब्धता के संबंध में, नामांकन के संबंध में, शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में, अध्याचक के संबंध में, वृक्षारोपण के संबंध में, यातायात सुरक्षा के संबंध में, ट्रांजिशन कार्यक्रम के बारे में और अन्य बिंदु आवश्यकताओं का इन बिंदुओं पर डिस्कशन हुआ था। कि छात्रवृत्ति के बारे में संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करूँगा श्री संजय कुमार मिश्रा जी से कि वो उन बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रत्येक वर्ष वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, हर साल एक नई समय सारणी जारी होती है, उसी समय सारणी के अनुसार हमें कार्रवाई करनी होती है। इस वर्ष में दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए शासन द्वारा समय सारणी तैयार की गई है। उस समय सारणी के अनुसार जो सबसे पहला कार्य हम लोगों को करना होता है वो होता है मास्टर डेटा को अद्यतन किया जाना, मास्टर डेटा अपडेट किया जाना, और उस अपडेशन के लिए 15 जुलाई का समय निर्धारित किया गया, 15 जुलाई तक हमें उसको करना है।
15 जुलाई तक न केवल शिक्षण संस्थाओं को उसके अपडेशन की कार्रवाई करनी है, अपितु डीआर साहब के स्तर पे आपके द्वारा जो भी अपडेशन किया गया है उसके अभिलेख उपलब्ध कराने हैं। साथ ही साथ डीआर साहब द्वारा जब उसको लॉक किया जाएगा तो समाज कल्याण अधिकारी जो कि मान